कपकोट में भी बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए कवायद तेज हो गई है। वन विभाग के निर्देश पर कपकोट में 250 से अधिक बंदरों को पकड़कर उन्हें बधियाकरण के लिए हल्द्वानी भेजा जा रहा है। यहां बता दें कि बंदरों के आतंक के कारण किसानों तथा व्यापारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीते कई सालों से बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की जाती रही है, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी बागेश्वर में बंदर बाड़ों का निर्माण नहीं किया जा सका है, जिस कारण किसानों की खेती चौपट हो रही है। काफी समय हो गया बंदर पकड़ते हमें तो, पर बागेश्वर में पकड़े थे हमने 400 के लगभग टारगेट पहुंच गया, और ये पकड़ा के कम से कम 30-35 के लगभग। कपकोट में कितने पकड़े आपने? कपकोट में पकड़ दिए 250 के लगभग। तो क्या कर रहे हैं इस बंदर को पकड़ के? इस बंदर को हल्द्वानी जाते हैं, वहाँ रानीबाग रेस्क्यू सेंटर बंदर संबंधी होती है इनकी, वहाँ बध्याकरण होता है, फिर नसबंदी होती है, फिर छुड़वा देते हैं जंगल में। वन विभाग पकड़वा रही है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।